राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। जीतू पटवारी ने ग्वालियर में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से राहुल गांधी इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज बने हुए हैं। वो सभी वर्गों की आवाजें उठाते हैं और न्याय की वही आवाज उठाने वो फिर आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी न्याय यात्रा का स्वागत का इतिहास बनेगा। ग्वालियर से योगेश बिसाविया की रिपोर्ट। मैं मानता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की माटी है, अद्भुत अकल्पनीय स्वागत सत्कार और साहस के लिए जानी जाती है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 5 न्याय की बातें करते हुए राहुल जी आएंगे। मैं यहाँ से सेलाना तक रतलाम में इधर से देखते देखते हर चीज़ का एक तरह रिव्यू करते करते जाऊँगा। तो हमारे महापौर और हमारे विधायक आदरणीय सतीश सिकरवार जी ने आज विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम रखा बहुत ऐतिहासिक, बहुत उत्साहवर्धक था। राहुल जी की जो न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में था, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में था, आदरणीय हमारे अशोक सिंह जी जो नए सांसद यहाँ बने उनके सम्मान के संदर्भ में था। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ, सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह करता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 2 तारीख को स्वागत सत्कार करें, जैसी ग्वालियर की माटी का स्वभाव है। और सबको धन्यवाद देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से सारे पत्रकार बंधु भी उसमें हमारी मदद करें।